तो इस तरफ जाना है। सो लेट्स गो, आज देखते हैं चंगटू म्यूजियम। ये है म्यूजियम का सामने का नज़ारा। दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसे चंगटू एंशिएंट टाइम में चंगटू जो प्रोविंस सिटी है इसको दिखाया गया थे। मट्टी से बने हुए आर्किटेक्चर्स इन्होंने इस टाइप के भी बनाए हुए थे, जिसमें काइंड ऑफ रिजिड एंड ब्रॉड, और इसके काम जो है वो बहुत है। ये स्टोन का बना हुआ राइनोसरस मिथिकल क्रिएचर्स है, खूबसूरत सा है। अगर मेरे कोई इंडियन दोस्त देख रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ओह लव वुल्फ, हाय बेबी। तो ये था हमारा म्यूजियम का टूर, काफी मुझे बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू साइरा ट्रैवलॉग्स। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साइरा ट्रैवलॉग्स और मैं हूँ साइरा। आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ द होम टाउन ऑफ पांडास, यानी कि चंगटू सिटी में। चंगटू में मेरे दो दिन का स्टे है, और कल मैं गई थी एक ओल्ड सिटी में, यानी कि एंशिएंट चंगटू में, वो आपको दिखाऊंगी। और साथ में आज आप लोगों को मैं लेके जा रही हूँ चंगटू म्यूज़ियम, और वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि चंगटू जो है ये होम टाउन ऑफ पांडास है, तो क्या हम पांडा देखने जाएंगे यानी ये थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा, यानी कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड, वो अगर इतना ठंडा नहीं लगता अगर हवा नहीं चल रही हो। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड और ज़्यादा फील हो रही है। तो मैंने कहा अब कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ दिखाती हूँ हम लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक हम म्यूज़ियम जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल और रिसेंट कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं सानशिंग थ्वे के नाम से, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मैं जो सबवे स्टेशन से मैं जब निकली हूँ तो डायरेक्ट एक मॉल में एंटर रही हूँ। अब यहाँ से कौन से दरवाजे से निकलना है वो मैं पूछ के फिर चली जाऊँगी।老板您好，那个博物馆怎么去呢？博物馆你要从这边一直走，走出去上面就能看到了。哦，好，谢谢。客气，谢谢。OK， 都 इस तरफ जाने और सीधे जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही मौजूद है। So let's go, आज देखते हैं चंगटू म्यूजियम। तो हम बाहर आ गए हैं मेट्रो स्टेशन से। आप लोगों को जो यहाँ के म्यूजियम का पहला इम्प्रेशन दिखाती हूँ, जस्ट मुझे थोड़ा सा। बिल्डिंग बहुत मज़े की है, ये चेक करें। दिस इज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ चंगटू म्यूजियम। अगर आप चाइना में हैं और आप विजिट करना चाह रहे हैं तो ये थिनफू स्क्वायर स्टेशन मेट्रो स्टेशन है इसके पास है। तो अब हम इस बिल्डिंग में अंदर जाएंगे और अंदर की चीज़ें देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें। ये है म्यूज़ियम का सामने का नज़ारा, और बहुत मज़े का इन्होंने आर्किटेक्चर
बनाया हुआ है और मजीद आगे जाके देखते हैं। म्यूजियम जो है वो कुछ इस तरह से कि इस तरफ की बिल्डिंग है, ऊपर भी है और ये सारा एंड तक वो वहाँ तक बिल्डिंग है, लेकिन बीच में इन्होंने बहुत बड़ा गैप रखा हुआ है, जस्ट लाइक अ बिग गेट। यहाँ मुझे अजान सुनाई दे रही है, एक मिनट, कुछ और भी हो सकता है। ओके, तो अभी हम म्यूजियम में जाने के लिए रेडी हैं। ओके, सच में अजान है, ओह माय गॉड, सुकून मिला। ये हमारा मस्जिद है, आई जस्ट सॉ इट, इधर लिखा हुआ है। यू गाइस, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये छंगतू में, छिंगचन से, एक मिनट, छंगहुआ, और ऊपर वाला एरिया है वो इबादत के लिए, नमाज के लिए, बड़ा गेट वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बहुत प्यारा है, मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है, बट इट्स स्टिल लाइक के और आज जुम्मा भी है माशाल्लाह, और मेरे ख्याल से जुमे की नमाज़ हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से ना वो, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, अभी पहले हम म्यूज़ियम में जाते हैं ताकि उसका टाइम ना निकल जाए, क्योंकि आगे भी कहीं दूसरे जगहों पर जाके आप लोगों को दिखाना है। तो म्यूज़ियम में जाने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री है, बस ये कि पासपोर्ट वगैरह दिखाना होता है, लेकिन पैसे नहीं लगने हैं। सो लेट्स गो गाइस। पहले हम चलते हैं हिस्ट्री एंड कल्चरल डिस्प्ले ऑफ चंगदू एंशिएंट टाइम्स में, जो कि छिंग डायनेस्टी से पहले की बातें हैं। बहुत ही खूबसूरत 3D डिस्प्ले में, 3D डिस्प्ले में इन्होंने चंगदू जो प्रोविंस सिटी है इसको दिखाया है, और आप देख सकते हैं चार पांच तरफ इसके रिवर्स है, 6 ज़्यादा। एंशिएंट चंगदू में इस तरह के बर्तन यूज करते थे, मिट्टी से बने हुए, और ये भी सारे पॉटरी के बने हुए हैं। और हिंदी, ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं, ये सारे डिफरेंट जगहों से कलेक्ट किए हुए हैं, और फॉर एग्जांपल सिचुआन के डिफरेंट जगहों से, और इनको अपना सिचुआन प्रोविंशियल कल्चरल रेलिक एंड आर्कियोलॉजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये सारी चीज़ें इनको क्लिक किया है। और ये जो आप लोग को नज़र आ रहा है, ये दो चीज़ें वो थे एक्स कुल्हाड़ी पुराने ज़माने में, ये पत्थर की कुल्हाड़ी है। वैसे ये जो अर्ली अर्बन डेवलपमेंट के जो पिक्चर्स इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, ये है कोई 4500 साल पुरानी इनकी जो पाउतन कल्चर जो था, कल्चर या पाउतन सिविलाइजेशन, उसको रिप्रेजेंट करी है, जो कि यहाँ का जो यांगत्ज़ रिवर है उस उनके अर्लीस्ट सिविलाइजेशन समझा जाता है। ये देखें, इनके जो प्रोक्लेम वाला कल्चर है ये बहुत पुराना है, और इसको ये लोग बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। ये सारे जो स्टोन एक्सेस, ये जो है इनके अर्लीस्ट
सिविलाइजेशन, पाउतुन सिविलाइजेशन जो कि झांगतू यांगजे रिवर के करीब आबाद थे, उनके घर कुछ इस तरह हुआ करते थे, जिसमें अंदर से ये अगर आप देख सकते हैं येलोइश, ये जो जगह है, ये जो जगह है येलोइश कुछ, आई थिंक भूसा कुछ से ये लोग इसको कवर करते हैं, और बाहर से, बाहर की जो दीवारें होती हैं वो मट से कवर होती थी, नीचे जो है वो ये जो हमारा इसका छत जो होता था, सबसे नीचे वुड के पाइल्स होते थे, उनके ऊपर बेम्बू के पाइल्स होते थे, और फिर उनके ऊपर इस तरह के जो घास टाइप जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये सर्दी वगैरह से बचाने के लिए। तो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर के घर हुआ करते थे, ये आप देख सकते हैं, ये इससे थोड़ा छोटा है, जो जिसका बेस जो है इस तरह नीचे, सबसे नीचे ये जो है, ये जो एरिया है ये वुड से कवर, एक वो बेस सा बनाया हुआ होता है, उसके ऊपर फिर अगेन बेम्बू वगैरह, और दोबारा से इस तरह की ना शेप में, और इस तरह के सबसे बड़े वो भी हुआ करते थे बिल्डिंग्स भी, बिल्डिंग्स मीन्स आर्किटेक्चर्स इन्होंने इस टाइप के भी बनाए हुए थे, जिसमें कहा जाता है कि जो रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो आई डोंट नो रिलीजियस थे या सोशल थे, वो ऐसे घरों में, ऐसे बिल्डिंग्स में मनाए जाते थे। तो ये तो कुछ ऐसे घर जो उस ज़माने में अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के उसमें यूज़ हुआ करता था। 2021 और 2022 में चाइना में एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई, जिसको सनशिंग ट्वेक का नाम दिया गया, जिसमें एक ब्रॉन्ज, रिचेस्ट ब्रॉन्ज आर्कियोलॉजिकल पीस जो है वो डिस्कवर हुए हैं, और जिसमें जो यहाँ पे इन्होंने 3D में दिखाया है चीज़ें, इसमें एक सेकेंड, ये जो है ये इस किस्म के कुछ ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर्स, स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं, और इसकी जो आँखों के आसपास जो मास्क है वो ब्रॉन्ज, प्योर ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और इसके जो दूसरे फेस मास्क है वो गोल्ड के बने हुए। तो ये बहुत बड़ा एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी था चाइना के लिए, ऑल्दो ये बहुत 1970 समथिंग से ये लोग डिस्कवरी कर रहे, लेकिन रिसेंट जो डिस्कवरी थी ये सनशिंग ट्वे, अगर स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजी पढ़ने वाले या कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। और तब मुझे याद है इसको एलियन वगैरह के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा था। तो ये है एक्स जो कुल्हाड़ी जो होती है वो, जेट डैगर एक्स, वो कहाँ है लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, सनशिंग ट्वे। ये जो ब्रॉन्ज ह्यूमन है जो आप देख रहे हैं इसके, ये इनके सिचुआन का एक सिटी, वहाँ से सेक्रीफिशियल साइट, सेक्रीफिशियल पिट से डिस्कवर किया गया है, जिसमें लॉन्ग आईब्रोज, पियर्स्ड ईयर्स, ट्राइंगल शेप का नोज, और इसका जो जॉ है वो काइंड ऑफ रिजिड एंड ब्रॉड, और इसके बाल जो है वो पीछे से कॉम किए गए हैं। हम पीछे से देखते हैं, ये देखिए इसके पीछे बाल कॉम करके, बियर्ड ब्रेड सब बनाया गया है, और इसके कान जो है वो बहुत बड़े हैं और पियर्स्ड है वह, और इसे शेप्ड भी इन्होंने मजे का शेप भी दिया हुआ है। ताशु वोहा स्टोन कल्चर, ये जितनी भी चीज़ें आपको सामने कैमरे में नज़र आ रही हैं, ये इन्होंने कॉफिन के जो बोट कॉफिन ग्रेव से डिस्कवर किया हुआ है, इनके हमसे कह सकते हैं कि उनका जो दफनाने के जो ग्रेव्स है उनके अंदर से ये चीज़ें मिली हैं।
जो मैंने अभी बताया बोट कॉफिन, तो वो क्या चीज़ है वो आए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बोट कॉफिन कुछ इस तरह नज़र आता है। ये है जनाब बोट कॉफिन, जो कि मकड़ी का सॉरी लकड़ी का बना हुआ है, और ये बहुत बड़ा है। ये देखिए बहुत बड़ा है। इसमें ना सिर्फ इंसान को दफना देते बल्कि उस तरह के जो अभी मैंने आपको दिखाया उस तरह की चीज़ें भी रखी जाती थी। वाओ इट्स ह्यूज, ये बड़ा स्कल्पचर जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टोन का बना हुआ राइनोसरस का स्कल्पचर है। और ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि पुराने ज़माने के एक किंग जो थे, जो छंगतू के किंग थे, उसने इस तरह के 5 स्कल्पचर बनाए थे राइनोसरस के। उसे लगता था कि ये जो है ना, ये जो वाटर डेमन है उसको कंट्रोल करता, उसको उसके ख़िलाफ़ उनकी हिफाजत करता है, और वाटर को कंट्रोल करने के लिए ये इसने इस तरह के 5 स्कल्पचर बनाए थे। और इस स्कल्पचर में इन्होंने इसके लोअर जॉज और जो इसके यहाँ पे जो आगे वाले जो लेग्स हैं उन पे इस तरह के जो क्लाउड्स, कर्व्ड क्लाउड्स भी क्रेव किए थे इन्होंने। अब यहाँ पे इन्होंने फिगरेटिव स्कल्पचर्स दिए हैं कुछ, जिसमें ये एक कॉमेडियन का स्कल्पचर है, ये एक डांसर का स्कल्पचर, अगेन ये भी एक कॉमेडियन है, और ये लिखा हुआ है पोर्ट्रे क्रीपिंग फिगराइन, और ये एक नर्सिंग करता हुआ एक बंदा मीन्स है, किसी को दवाई शवाई कुछ पिला रहा है, बांसुरी बजाता हुआ एक फिगर, म्यूजिक कोचिन इनका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाता हुआ एक फिगर, दूसरा बांसुरी बजाता हुआ फिगर, एक बैग उठाया हुआ है एक फिगर, और ये घोड़ा, ओह सो क्रीपी, अजीब सा लग रहा है।